आप लोगों को आज एक बहुत सुंदर मैं थाल पोस लेके आई हूँ और बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, और ये 6 भाग में बांट के बनाते हैं। पहले ये 1 बनाते हैं, फिर 2, अगर आप चाहें तो और बड़ा बना सकती हैं तो 3 भी कर सकती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के मैं वीडियो लेके आते रहती हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। छोटा सा नोट बना लिए हैं और 12 चैन बना लेंगे हम। अगर आपको चैन बनाना भी नहीं अगर आता है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकती हैं। तो ये 3 चैन हो गया, 12 चैन हम बना के इसको गोल कर देंगे। मैं आगे गुलाब लगा रखी हूँ इसलिए उलट के आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो इसको राउंड करके फिर मैं बताती हूँ यहाँ कैसे बनाएंगे। इसको यहाँ से ले करके ऐसे इसको राउंड करके 2 चैन ले लेंगे। उसके बाद एक डबल क्रोशिया लेके बीच में 1 चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया लेंगे। ऐसे यहाँ 20 है तो इसको बना लेते हैं। हर बारी 1 चैन लेंगे, ऐसे पूरा 20 बनाने के बाद में फिर दूसरा लाइनें बनाऊंगे। हमारा हो गया, अब इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ इसमें। फिर चैन ले लेते हैं और ये वाला कहीं 2 छोड़ना है, कहीं 1 छोड़ना है, 2 2 चैन ले करके देखिए। यहाँ यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, या ऐसा 12 बनाएंगे क्योंकि इसको 6 भाग में बांटना है तो 12 बनाना है। तो अभी हम इसको 2 छोड़ देते हैं। दो चैन ले लिए, फिर एक यहाँ 1 छोड़ देंगे। ऐसे करके पूरी राउंड कर लेते हैं। मेरी वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मैं पूरा चाहती हूँ कि पूरा सबको आ जाए और सभी बनाए, तो इसीलिए मैं वीडियो को लंबा कर देती हूँ। यहाँ 2 छोड़े, अब यहाँ 1, ऐसे पूरा राउंड कर पूरा लेते राउंड ये हैं। मैं कर चुकी हूँ। अगर पतला ऊन होगा तो 3 चैन ले लीजिएगा और इसको 6 भाग में बांट देंगे। देखिए ये 4 जो बना है ना, ये 6 भाग में बटा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग में बांट देंगे। तो ये 4 का बनाएंगे, फिर चैन 2 लेंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर चैन लेंगे, फिर 4 बनाएंगे, फिर ऐसे करके। ये गुलाब के वजह से मैं उल्टा करके बता रही हूँ, इसके बाद मैं दूसरी लाइन में सीधा बताऊँगी। तो बना रही हूँ, 2 चैन ले रही हूँ और फिर यहाँ 4 बनाएंगे। बराबर बराबर खींच के डालेंगे। दो चैन ले लेते हैं, यहाँ 1 करेंगे, फिर 2 चैन, फिर यहाँ 4। पूरी राउंड ऐसे ही कर लेते हैं। कर चुकी हूँ और 3 राउंड ऐसे बनाना है। अभी यहाँ 1 बना है, उसके बाद देखिए यहाँ 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, 1 2 3, उसके बाद ये फूल बनना शुरू होगा। तो 2 लाइन ऐसे ही बनाना है और इसी के बीच में डालना है जो 4 है, और बहुत लूज हाथ से क्योंकि ये बाद में ना सिकुड़ने लगेगा। और ऊन मोटा हो तो 2 जाली या पतला हो तो 3 जाली, क्योंकि 4 प्लाई के ऊन ही पतला लग रहा है मुझे, तो इसको 3 जाली कर करके बनाएंगे ढीले हाथ से। जैसे ये पहला किए थे वैसे ही 2 राउंड और करके फिर इसको इसमें डालेंगे। देखिए 2 जाली, यहाँ 1 बना था, अब इसमें 2 हुआ, पिछले इसके बाद आएंगे तो 3, उसके बाद ये फूल बनना शुरू होगा। तो करते हैं देखिए।
ये चार लाइन बन चुका है, पांचवा लाइन में फूल बनेगा। एक एक दो तीन चार, चार बनाने के बाद ये पांचवा में बनाना है। तो देखिए एक दो तीन चार पांच, ये पांचवा लाइन है। मैं अब शुरू कर रही हूँ इसको, बीच में जो ये फूल बन रहा है, पांच बार इसको डबल क्रोशिया इसको करेंगे। और लूज लूज बनाइएगा ताकि, नहीं तो ये सिकुड़ जाएगा, टोकरी बन जाएगा। ये पांच हो गया, अब इसको पीछे से हम मोड़ देंगे बिना फंदा लिए, पीछे ले जाके मोड़ना है। फिर दो दो चैन, फिर अब ऐसे बनाएंगे। सारे में ऐसे ही करते हैं एक राउंड। दूसरी राउंड में आएंगे तो यहाँ दो बनाएंगे, एक इसमें एक इसमें, ये भी बढ़ते जाएगा और ये भी बढ़ते जाएगा। फिर दो चैन ले लिए, फिर इसमें, इजी है बनाना लेकिन थोड़ा सा लूज हाथ से बनाएंगे तो ठीक रहेगा। पूरी राउंड ऐसे ही कर लेते हैं हम, इसको मैं दिखा देती हूँ। ए वाला तो पूरी लाइन चलते ही रहेगा, देखिए दिखाती हूँ इसको भी करके। ये देखिए फिर यहाँ चार पांच बनाएंगे, बन गया पांच। फिर इसको पीछे से ले जाके मोड़ देंगे बिना फंदा लिए, फिर दो चैन बना लिए, फिर ऐसे ही इसमें बनाएंगे, इसमें इसमें, फिर ऐसे ऐसे पूरे राउंड करके आते हैं, फिर दूसरे बार इसमें बनाएंगे। ये एक राउंड पूरा हो गया, देखिए एक बन गया है। अब दूसरा यहाँ से शुरू करते हैं, सेम जैसे इसको किए थे वैसे ही, पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे इसको। फिर पीछे से ऐसे मोड़ लेंगे, टाइट करके नहीं, हल्का सा, जितना उठा रहेगा वो ये देखने में अच्छा लगेगा। ये दो चैन ले लिए हैं, फिर यहाँ दूसरा बनाएंगे। पूरी राउंड ऐसा ही करेंगे, बहुत लूज हाथ से बनाना है इसको। यहाँ चार के चार चलते रहेगा एंड तक, देखिए दो चैन लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे। फिर इसमें दो, इसमें हो गए हैं यहाँ, फिर यहाँ फिर बनाएंगे।
लाइन हो गया पूरा। अब यहाँ तीसरा शुरू करेंगे, पास पास में एक इधर से एक इधर से, ये बीच वाला, तो एक दो ये तीन, तीन हो गया। तो सेम जैसे ये किए थे, जैसे ये किए थे वैसे ही, फिर वैसे ही तीनों को करना है। अभी बढ़ा रहे हैं, एक से दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद फिर यहाँ घटाना शुरू करेंगे, चार तीन दो एक। तो दिखाती हूँ फिर करके आप लोगों को। अगर टाइट लगने लगे तो चैन ढीला करके और तीन तीन कर लीजिएगा, अगर टाइट होने लगे तो, क्योंकि ये क्लोज होने लगता है, तो लूज रखेंगे तभी ढंग से बन पाएगा। एक बीच में जो जाली दिए थे उसका हो गया। दो हो गया ये तीन पूरी, फिर ऐसे ही एक राउंड फिर ऐसे ही करेंगे। सारे ऐसे ही बनाएंगे। ये तीसरा लाइन हो गया, अब चौथा शुरू करेंगे। पहला सबसे लेकर के बनाएंगे इसमें, एक दो ये तीन यहाँ चार। जैसे इसको बनाए थे सेम वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अभी पांच बनाने के बाद फिर घटाना शुरू करेंगे। गिनती करके बनाना है, पांच पांच ही होना चाहिए, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। मोटा ऊन से इससे भी और अच्छा बनेगा, अगर थोड़ा मोटा ऊन हो तो। ये देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है, ये थोड़ा फोर प्लाई का ऊन है, और क्रोशिया ये पांच नंबर है। गिनती करके ही डालिएगा। अब हो गया देखिए ये चार, ऐसे पूरा राउंड करके फिर पांचवा में आती हूँ। काफी लंबी हो गई है,
इसलिए जो यहाँ 5 बनाया है, जो जब हम घटाने लगे हैं उसका वीडियो हम अगले वीडियो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख करके बना सकती हैं।